Hello guys, welcome to Design Diary by Esha. I'm interior designer Esha Garg. अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर तरीके के क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। पर आज हम बात करेंगे नीड ऑफ द आवर के बारे में। आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे घर को क्लीन, सैनिटाइज्ड एंड जर्म फ्री रखना, और वो भी उन चीज़ों के यूज़ से जो ऑलरेडी आपके पास हों या फिर आज की डेट में इजीली आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ सैनिटाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम स्टार्ट करेंगे आपके घर के एंट्रेंस से। सबसे पहले आता है आपके घर का बेल बटन, देन डोर हैंडल्स, स्विच बोर्ड्स, सर्फेसिस जैसे आपका सेंटर टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल, टीवी रिमोट्स, किचन फॉसेट्स, टॉयलेट फॉसेट्स, विंडो हैंडल्स, ये सारी चीज़ें घर का हर मेंबर बहुत बार टच करता है, तो यहाँ पे जर्म्स रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो होती है क्लीनिंग और दूसरा होता है सैनिटाइजेशन। क्लीनिंग वो है जो जनरली आप अपने घर को डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा होता है एंड एवरीथिंग, वो होती है क्लीनिंग। एंड सैनिटाइजेशन होता है जो आप डीप क्लीन करते हैं इस एम से कि कोई जर्म्स ना रहें, उसे हम कहते हैं सैनिटाइजेशन। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे लिक्विड्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, और नहीं तो आप इसे होममेड भी बना सकते हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और बिल्कुल भी हार्मफुल भी नहीं होता है। अगर आपके घर पे किड्स हैं और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आपको ये यूज़ करना चाहिए। गाइज, इसमें जो पहला सॉल्यूशन है हमारा वो है ब्लीच पाउडर एंड वाटर का। यस, ब्लीच पाउडर बहुत ही इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है और ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। अभी गवर्नमेंट जो सारे शहर सैनिटाइज कर रही है वो ब्लीच पाउडर एंड वाटर के सॉल्यूशन से ही कर रही है। आप इससे अपना घर सैनिटाइज करेंगे तो प्रॉपरली जर्म फ्री हो सकते हैं। हम लेंगे बेकिंग सोडा, जो नॉर्मल मीठा सोडा होता है, फिर हम लेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंटीसेप्टिक डिटॉल और एक स्प्रेयर बॉटल। स्प्रेयर बॉटल में क्लीन वाटर भर लीजिए। अब हम इसमें एक टीस्पून डिटॉल डालेंगे। इसके बाद डालेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये बहुत ही इजीली आपको मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल हो जाता है। इसमें जर्म्स किल करने की सारी कैपेसिटी होती है। अब हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम, और फिर अच्छे से शेक करके इसे रेडी कर लेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन रेडी हो गया सैनिटाइजिंग के लिए। अब हम देखेंगे कि ये यूज़ कैसे होता है। गाइज, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज़ ग्लव्स फॉर क्लीनिंग। हम स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। सबसे पहले आती है डोर बेल। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे डोर बेल, स्विच बोर्ड्स, इन पर डायरेक्टली स्प्रे ना करें। आप पहले क्लॉथ पर स्प्रे करें फिर इसे यूज़ करिए। फिर डोर हैंडल आता है, इस पर आप डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। रब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हैंडल एंड जस्ट सी कितना क्लीन एंड शाइनी हो गया ये। देन कम्स द स्विच बोर्ड। अच्छे से सॉल्यूशन अप्लाई करिए एंड देन क्लीन इट नाइसली। बिल्कुल स्पॉटलेस एंड जर्म फ्री हो जाएगा ये। अब आते हैं टेबल सर्फेसेस। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट स्प्रे डायरेक्टली ऑन एनी सर्फेस, वेदर इट्स अ वुड, ग्लास और स्टोन। अच्छे से सॉल्यूशन अप्लाई करें एंड देन रब कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से क्लीन एंड सैनिटाइज्ड हो जाएंगे। आप अपने सैनिटरी फॉसेट्स क्लीन करिए, इन पे आप स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। इससे आपको क्लीन करने में आसानी होगी और ये बिल्कुल ही जर्म फ्री एंड क्लीन हो जाएगा। इसमें रबिंग अल्कोहल का एक बड़ा पार्ट प्ले होता है। रबिंग अल्कोहल एक्चुअली में जर्म्स एंड वायरसेस क्लीन करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू विनेगर और एनी अदर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस।
आपके घर के रिमोट कंट्रोल्स एंड ऑल में भी काफ़ी जर्म्स होते हैं क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते हैं उन्हें, उन्हें क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन पर भी आप डायरेक्टली स्प्रे मत करिए, क्लॉथ पे स्प्रे करके देन आप बहुत अच्छे से उसे क्लीन करिए। साथ ही आप अपने मोबाइल्स, कीबोर्ड्स एंड ऑल भी ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। गाइज, एक और चीज़ जो हमारे घर में बचती है जिनमें काफ़ी जर्म्स होते हैं वो हैं कारपेट्स, मैट्रेसेस एंड सोफ़ास। इन्हें क्लीन करना काफ़ी टफ हो जाता है कई बार, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो है बेकिंग सोडा। यस, नॉर्मल मीठा सोडा जो हर किचन में अवेलेबल होता है, इससे आप बहुत अच्छे से इन सर्फेसेस को क्लीन कर सकते हैं। आप या तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसी में बेकिंग सोडा की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल बेकिंग सोडा डायरेक्टली छिड़क सकते हैं सोफ़ास पे एंड देन अच्छे से उसको वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर नहीं हो तो भी आप उसे हार्ड ब्रश से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिससे वो कम्प्लीटली जर्म फ्री एंड डिओडोराइज्ड भी हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये सोफ़ा कम्प्लीटली क्लीन हो जा रहा है। ऐसे ही आप अपने मैट्रेसेस और कारपेट्स पे भी यही कर सकते हैं। थोड़ी देर छोड़ना ज़रूरी है, उससे ही बेकिंग सोडा एक्शन में आएगा। गाइज, एक और चीज़ जो हमारे हाथ में होती है पर हम उसे जनरली नेगलेक्ट करते हैं वो होती है सनलाइट। यस, आपको अपने मैट्रेसेस एंड कारपेट्स को रेगुलरली सनलाइट दिखाते रहना चाहिए, इससे वो बहुत अच्छी तरीके से जर्म फ्री हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी नेचुरल एंड फ्री वे जिससे आप अपने कारपेट्स एंड मैट्रेसेस बहुत अच्छे से जर्म फ्री कर सकते हैं। गाइज, अभी मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने घर को और खुद को बहुत अच्छे से क्लीन एंड सैनिटाइज रखिए। अपने फ्री टाइम पे अपनी हॉबीज़ करिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करिए। अगर कुछ स्पेसिफिक कोई क्रिएटिव चीज़ है जो आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, इवन आई कैन हेल्प यू।